ऑन साइड पे निकलते हुए लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई नुकसान नहीं। और रंजीत आप देखेंगे कि कितना ओपन स्टांस उन्होंने किया है, यानी उनका इंटेंट जो है ऑन साइड की तरफ गेंद खेलने का, और देखिए किस तरह से थोड़ा सा ओपन अप करके स्टांस और जैसे बोल्ड हो गए हैं। वही कोशिश में आपसे कह रहा था कि इतना ओपन स्टांस और ऑन साइड की ओर गेंद खेलने का इंटेंट उनका जो दिख रहा था, यानी स्वाभाविक रूप से उसी तरह के खिलाड़ी हैं, बल्ला स्लॉट में चलता है। एक बार फिर देखिए किस तरह से यह बबलू की गेंद थी, स्टंप्स विकेट टू विकेट जो आक्रमण का फायदा, और बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह उनकी कोई पोजीशन नहीं थी यह स्ट्रोक खेलने की, और नवीन छब्बानी लौटकर पवेलियन की ओर जाते हुए बड़े मायूस अंदाज में। गलती उनकी, तकनीक उनकी खराब दिखी, और उसी का परिणाम देखिए किस तरह से बहुत ओपन लेग स्टंप से बहुत बाहर खड़े थे और अंधाधुंध स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कहीं कोई तालमेल होने की संभावना भी नहीं थी, और परिणाम यह निकला कि दूसरा विकेट गंवा दिया ब्लू डायमंड ने 12 रन के योग पर। क्रीज पे आए हैं नए बैट्समैन नवीन के आउट होने के बाद। दिनेश, हम जब क्रिकेट खेला करते थे हमको बेसिक्स बताया जाता था कि क्रॉस बैटेड स्ट्रोक कभी भी आप खेलने का प्रयास नहीं करें जब आप टर्फ क्रिकेट पे खेल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनको बेसिक्स का ही नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए और सुधार लाना अति आवश्यक। काफी क्रिकेट खेलने के बाद अपने आप ही बैट्समैन इन सब चीजों को सीख जाता है। नए बैट्समैन अमित, और दफा बॉल सीधे आके पैड पे रैप हो गई और बॉल का लाइन और लेंथ सटीक बिल्कुल मिडिल स्टंप के ऊपर, और अंपायर को किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं हुई। आप देखिए रिप्ले में बॉल पिच होने के बाद स्टंप्स के ऊपर जाते हुए सीधे आके इनके बीच में पैड पे आके रैप हो गई। अंपायर को किसी तरह की भी झिझक नहीं, परेशानी नहीं लेग बिफोर विकेट डिक्लेयर करने में। सही कहा रंजीत, जिस हिसाब से उनके पैर लगी थी गेंद, आप रिप्ले में देखेंगे लेग स्टंप उनका दिखाई पड़ रहा था, इसका अर्थ यह था कि वे बिल्कुल मिडिल स्टंप पर खड़े हुए थे, गेंद में कोई टर्न नहीं, और उनका जो फुट निकला था फॉरवर्ड खेलने की कोशिश में वह भी थोड़ा हाफ कॉक था, पूरा स्ट्रेच नहीं किया था, यानी गेंद स्टंप्स के करीब थी, ज्यादा दूरी उसे तय नहीं करनी थी, और अंपायर के सामने इन सब तथ्यों को देखते हुए और कोई विकल्प नहीं था कि उन्हें आउट दे दें, और ऐसा ही हुआ। तीसरा झटका लगा है ब्लू डायमंड को, और 108 रन का विजय लक्ष्य उनसे धीरे धीरे उनके लिए और मुश्किल होता चला जा रहा है। 11 रन के योग पर तीन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, और नए बल्लेबाज के रूप में अब रजत शर्मा जा रहे हैं, पहले रजत दूसरे थे और रजत शर्मा जा रहे हैं।